एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम लोग भी यहाँ पे ठीक है। हमारे चैनल प्रेस प्ले व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है संडे एंड आज है कौन सा फेब है, थर्ड फेब, फोर्थ फेब, एंड प्रिशा का 20th फेब को फर्स्ट बर्थडे। प्रिशा विल टर्न 12 मंथ्स ओल्ड। सो अभी वो 11 मंथ्स की है। हमने सोचा कि चलो इसका आज केक स्मैश करते हैं, बर्थडे पे नहीं करते, क्योंकि केक स्मैश में क्या है कि फिर थोड़ा सा बच्चे का मूड भी हैप्पी होना चाहिए। फिर बर्थडे में इतनी सारी चीजों के बीच में पता नहीं हाउ प्रिशा विल रिस्पॉन्ड। और मतलब अगर अभी करेंगे तो हमारे पास टाइम होगा ना, अगर सपोज आज ढंग से हुआ नहीं तो हम लोग के पास रीट्राई का ऑप्शन होगा, अगर हमसे ढंग से, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं एंड इट्स कम्प्लीटली DIY, डू इट योरसेल्फ। हम दोनों ही, हम ही कुछ घर पे खुद से कर रहे हैं, हमने किसी से, किसी फोटोग्राफर को नहीं बुलाया है। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। तो मैं बहुत सारा सामान खरीद लिया, अब देखते हैं इसमें से क्या सामान यूज होता है क्या नहीं होता है। जो सामान यूज होगा वो ठीक है, बाकी सामान मैं रिटर्न कर दूंगी। मामा चूदी गल है बच्चों। तो हमने घर का ये वाला कॉर्नर चूज किया है फॉर केक स्मैश एंड डेकोरेशन स्टाफ। तो हम लोग उतनी ऐसा बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम डेकोरेशन नहीं करने वाले, थोड़ा मतलब सिंपल एंड सोबर जितना हमसे हो पाएगा। तो देखते हैं। और केक भी हमने ऑर्डर नहीं किया है कहीं से, अभी हम लोग सुपरमार्केट से ही, सामने हमारे घर के सुपरमार्केट है वहीं से लेकर आएंगे केक भी। तो यहाँ पर मतलब मेन फर्स्ट थिंग है, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि घर का एक ऐसा कॉर्नर चूज करो जहाँ पे लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे घर के इस कॉर्नर पे, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे विंडो है, तो विंडो से नेचुरल लाइट आ रही है। तो इसलिए हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि अभी डे टाइम में जब वो सेकंड नैप लेके उठेगी प्रशा, तब हम लोग उसका शूट कर लेंगे और उसके नैप से पहले हम लोग डेकोरेशन निपटा लेते हैं अपना। तो ये है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने एक खरीदा है ये होल्डर, बैलून होल्डर, जिसे कॉर्नर में खड़ा कर सकते हैं। देखते हैं अभी हम यूज करते हैं कि नहीं करते। जो सामान हम अभी यूज नहीं करेंगे वो हम बर्थडे पे यूज कर लेंगे, तो इसलिए मैं काफी एक्स्ट्रा स्टफ भी ले आई हूँ कि अगर अभी यूज नहीं हो पाया तो मैं उसे बर्थडे पे यूज कर लूंगी, ठीक है। फिर ये है टिश्यू पेपर टासल गार्लैंड। तो आई थिंक दिस विल लुक ब्यूटीफुल। इसको हम लोग ऐसे ऊपर लटका लेंगे और इसको तो हम लोग दो बार यूज कर सकते हैं ना प्रिशो, एक स्मैश में भी, बर्थडे पे भी। फिर ये मैं हैप्पी बर्थडे का वो लाई हूँ टॉपर केक पे लगाने के लिए, क्योंकि केक पे लगाने ना हैप्पी बर्थडे का टॉपर। देन नेक्स्ट आई हैव दिस क्लोथ, मतलब जो ऐसे पार्टीज में, शादियों में ऐसे चेयर पे ऐसे लगाते ना सुंदर सा सैटिन का क्लोथ, तो उस टाइप का मैं लाई हूँ। पता नहीं ऐसे कहाँ यूज करूंगी, मैं ले आई, देखते हैं अभी कैसे होता है। यस पिशु, कम 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 कम, यू आल्सो वांट टू सिट हियर, सिट 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 सिट, अभी स्टैंड करना है, ठीक है, अभी सिट करना है। देन ये मैं लाई थी कुछ मतलब कपकेक्स के बॉक्सेस पिंक वाइट में, तो ये भी पता नहीं, ये मैंने मतलब वैसे बात करके लाई थी कि अगर इसमें से जो सामान यूज नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीक जाके वो रिटर्न कर दूंगी, मेरे ऑफिस के पास है ये शॉप, इट्स ओके। देन ये पार्टी बलून्स, ये आई थिंक इस तरह का दिखेगा, तो देखते हैं, ये तो यूज हो ही जाएगा आई थिंक डेफिनेटली। देन ये हैप्पी फर्स्ट बर्थडे का, ये इसमें ऐसे हैप्पी फर्स्ट बर्थडे ऐसे आएगा, तो ऊपर हैप्पी फर्स्ट बर्थडे से टंगा देंगे, ये भी यूज हो जाएगा पिशु। ये फिर मैं ऐसे फ्लावर का ऐसे गार्लैंड, प्लास्टिक का ऐसे गार्लैंड टाइप ले आई थी, इसको ऐसे कहीं भी लटका देंगे, लटका देंगे। डिड यू लाइक इट, डिड यू लाइक इट। देन ये भी बलून्स है, बट इस पर ऐसा लिखा था बलून्स जो ऐसे केक के ऊपर लगा सकते हैं, आई डोंट नो कैसे, मतलब ऐसे उसमें साथ में स्ट्रॉज है स्ट्रॉ के ऊपर, तो देखते हैं कैसा लगेगा, सही अच्छा लगेगा तो ये भी यूज कर सकते हैं आई थिंक फॉर केक। देन कैंडल, वन नंबर का कैंडल। देन मैं कुछ, हाँ मैं ये भी क्लोथ लेकर आई थी, देन मैं ये भी क्लोथ लेकर आई हूँ, ये पता नहीं कैसा क्लोथ है, सैटिन का सा लग रहा है, पैक था मैं ले आई, देखते हैं इसे खोल के कि कैसा है। तो इसको मतलब मैं थोड़े क्लोथ्स और टेबल पेपर टाइप लाई हूँ ताकि हम लोग ना यहाँ पर फ्लोर पे, क्योंकि फ्लोर में खाली वुडन फ्लोर का अच्छा लुक नहीं आएगा और प्लस थोड़ा मेस भी हो जाएगा, केक स्मैश होगा, तो मैं फ्लोर पे कुछ बिछाने का सोच रही हूँ। तो देखती हूँ कौन सा क्लोथ मैं यूज़ करती हूँ, मैं दो तीन तरह के लाई हूँ, जो नहीं यूज़ होगा वो रिटर्न कर दूंगी, तो उसमें से कोई एक यूज़ करूँगी। बैकग्राउंड वॉल तो हमारी ऑलरेडी वाइट है तो इट्स ओके, अच्छा ही लगेगा वो। देन मैं कुछ ऐसे ये वन नंबर के टिशू प्लेट्स मिल गए थे मुझे शॉप में, तो मैंने उठा लिए, ले आई थी, कब से लाई थी मैं, मामा कब से लाई थी, अच्छा कब से नहीं होंगे शायद। देन हाँ मैं ऐसे गार्लैंड ये पिंक के साथ व्हाइट कलर में भी लाई थी प्लास्टिक का, हाँ ये वो कब भी आएगा, तो ऐसे ये तीन ये वन वन के सेट लाई थी। देन मेरे को ऐसे ही मतलब मैं अभी यूज नहीं करूंगी, बट मैं ऐसे ही प्रिशु के ऐसे सुंदर से वो थे बैंड्स थे गर्ल्स के व्हाइट एंड पिंक में, तो मैं ऐसे ले आई, मेरे को बहुत क्यूट से लग रहे थे। प्रिशु को कभी पहनाएंगे, ठीक है प्रिशु, पहनाएंगे ना आपको, पहनूंगे।
और मैं ये इसमें मुझे पता नहीं कैसे यूज होता है, यहाँ पे थे पिनअप्स फॉर डेकोरेशन, तो मेरे को लगा कि हाँ ये तो अच्छी चीज है, मतलब टेबल वो टेप वगैरह लगाने की जगह ये स्टिक पे वॉल पे यूज कर सकते हैं, बट ये कैसे यूज होगा मुझे पता नहीं, अगर हमें समझ आया तो मैं ओपन करूंगी वरना मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। देन मैं टेबल क्लॉथ लाई थी, एक तो ये वाला लाई थी, ये है, बट ये मतलब मैं ले आई बट मेरे को इसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको अभी तो नहीं यूज करूंगी, बट कभी ऐसे डाइनिंग टेबल वगैरह पे कोई फ्रेंड्स वगैरह आएंगे तो मतलब कुछ ऐसे बिछाने के लिए यूज कर लूंगी, बट अभी अभी तो मैं आज यूज करने का ऐसे नहीं सोच रही हूँ। फिर मेरे पास ये टिश्यू वापस रख देते हैं, मेरे पास एक वाइट, हाँ फिर मैं ये वाला ये वाइट में लाई हूँ क्लोथ एक प्लास्टिक में, तो ये मुझे सही लग रहा है इसका मटेरियल, तो आई थिंक मैं फ्लोर पे ये बिछा सकती हूँ, वैसे ये टेबल क्लोथ है बट इट विल वर्क। बाकी मैंने अपने घर के सामने सुपरमार्केट में देखा था, वो प्लास्टिक पेपर का लंबा 1 मीटर का पेपर भी मिल रहा है टेबल क्लोथ, तो इट्स ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं अभी जाऊँगी वैसे भी केक लेने, तो मेरे को अगर सही डिज़ाइन पसंद आ गया तो मैं वो भी ले सकती हूँ। तो उसमें क्या है कि उसको तुम वॉल और फ्लोर का एक करके, मैंने ऐसे यूट्यूब पर देखा था कि मून पेपर्स को तुम ऐसे एक करके एक लुक दे सकते हो और बीच में ऐसे बलून लगा दो, तो देखते हैं कैसे टर्न आउट होता है। तो स्टार्ट करें डेकोरेशन, स्टार्ट करें डेकोरेशन बच्चों, ये केक मैच करूंगा, केक मैच करेगा तू, केक मैच कर लेगा, ये। और ये हमारा बेसिक सेटअप रेडी हो गया, ये मैंने जो आप फ्लोर में देखेंगे तो ये मैंने टेबल क्लोथ लिया था अपने सुपरमार्केट से यहाँ घर के सामने उसी दिन लिया था, ये प्रिशा मस्ती कर रही थी, उसके बाद ये केक स्मैश की कुछ पिक्चर्स है आपके लिए जो लगाई है, प्रिशा बहुत ही क्यूट लग रही थी, प्रिशा ने केक स्मैश किया और केक खाया भी, बहुत इंजॉय किया प्रिशा ने। तो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि केक स्मैश के लिए मिनिमम घर के लोग हो तो अच्छा रहता है कि बच्चे कॉन्शियस कम रहते हैं, प्लस बच्चे का मूड अच्छा होना चाहिए, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Y'all ready for this? बस ऐसे ही फिर प्रिशा ने केक स्मैश करने के बाद बहुत सारा केक खाया भी, फिर जब हमको रियलाइज हुआ कि वो केक खाई जा रही रुक नहीं रही, तो हम लोगों ने सैंड में केक छीन लिया, तो फिर वो थोड़ा सा एंड में अपसेट हो गई थी, रोने लगी थी, फिर हम उसे फटाफट निला के लाए और वो बहुत थक गई थी एंड निलाते ही सो गई। बस फिर ऐसे ही हमारा केक स्मैश हम सेलिब्रेशन था, बहुत हमने मजे किए, आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।